खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी बच्ची की कहानी जिसकी कहानी को जानकर आप भी इमोशनल हो जाएंगे, आपकी भी आंखें छलक पड़ेंगी। आपको बता दें कि 90 के दशक का वो दौर जब लोगों की ज़िंदगी 2-4 टेलीविज़न के चैनलों पर अटकी हुई थी और इन चैनलों पर आते थे कुछ ऐसे ही विज्ञापन जो आज भी लोगों की जुबान पर हिटके हुए हैं। जी हाँ दर्शकों, हम बात कर रहे हैं 90 के दशक के विज्ञापनों की, जिनमें से एक है निरमा वॉशिंग पाउडर का एड, जो कि जुबान पर लोगों के अभी तक बना रहता है। इस एड का जिंगल आज भी लोगों की जुबान पर इस तरीके से है कि लोग इसको जरूर याद करते हैं। वहीं टीवी पर ये एड अभी भी कहीं ना कहीं दिख ही जाता है। बता दें आपको कि वॉशिंग पाउडर निरमा का वो गाना लोग आज भी गुनगुनाते हैं और गुनगुनाते ही रहेंगे। आज भी ये सभी को याद है। जी हाँ दर्शकों, आपको याद ही होगा निरमा वॉशिंग पाउडर गाना। लेकिन अगर बात की जाए इस पाउडर की, तो निरमा वॉशिंग पाउडर के पैकेट पर एक लड़की छपी हुई नज़र आती थी, बता दें, जो कि सफ़ेद कलर की फ्रॉक पहने नज़र आती हैं। वहीं लोग अक्सर ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार ये लड़की है कौन। तो चलिए आज की इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं वॉशिंग पाउडर पर छपी हुई लड़की के बारे में, जिसके पीछे की सच्चाई को जानकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। दरअसल दर्शकों, आपको बता दें कि साल 1969 में गुजरात के करसन भाई ने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत की थी और वहीं करसन भाई की एक बेटी थी जिससे वो बेहद ही प्यार करते थे। उनकी बेटी का नाम निरूपमा था और वो अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे कि वो अपनी बेटी को प्यार से बोलते थे निरमा, और उसी के नाम पर उन्होंने आगे चलकर इस पाउडर का नाम रखा। जहां एक ओर करसन भाई अपनी बेटी से इतना प्यार करते थे, तो वहीं अपनी बेटी को आँखों से वो कभी दूर नहीं होने देते थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जानकारी के लिए आपको बता दें कि एक दौर ऐसा आया, एक दिन ऐसा आया कि कहीं जाने के दौरान निरुपमा का एक्सीडेंट हो गया और उसका निधन हो गया। इस घटना से करसन भाई इस कदर टूट गए कि वो अपने आप को उस दर्द से उभार नहीं पाए थे। वे हमेशा से इस बात की ख्वाहिश रखते थे कि उनकी निरमा बड़ी होकर खूब नाम कमाएगी, लेकिन उसका समय से पहले ही निधन हो गया और उनका ये ख्वाब अधूरा ही रह गया। लेकिन वो इस बात को ठान कर बैठे थे कि निरमा को वो अमर करके ही रहेंगे। उन्होंने निरमा वॉशिंग पाउडर की शुरुआत कर दी और इस पाउडर का नाम अपनी बेटी के नाम पर ही रख दिया। पैकेट पर निरमा की तस्वीर लगाना उन्होंने शुरू कर दी, जिसमें वो सफ़ेद फ्रॉक में नज़र आती हैं। वहीं ये सफ़र उनके लिए आसान नहीं था। जी हाँ दर्शकों, उस मार्केट में सर्फ जैसे पाउडर का रुतबा ऐसा छाया हुआ था कि उस सर्फ की कीमत 15 रुपये प्रति किलो थी। वहीं करसन भाई निरमा को सिर्फ 3.5 रुपये प्रति किलो के दर से बेचने लगे। बता दें आपको कि आय कम थी वहीं, लेकिन ये विकल्प अच्छा था। धीरे धीरे निरमा को लोग जानने भी लगे थे और आज के समय में भी लोग इस पाउडर के बारे में अच्छे से जानते हैं और उस जिंगल को भी गुनगुनाते हुए नज़र आते हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि करसन भाई सरकारी नौकरी किया करते थे और साइकिल से दफ्तर जाते समय रास्ते में लोगों के घरों में निरमा वॉशिंग पाउडर बेचा करते थे। वहीं अहमदाबाद में लोग एक बड़े स्तर पर अब निरमा को जानने भी लगे थे। वहीं आपको ये भी बता दें कि 3 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस वॉशिंग पाउडर के फॉर्मूले को उन्होंने तैयार किया और फिर वो इसे खुद ही बनाने लगे और बेचने लगे। फिर एक वक्त ऐसा आया कि उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ दिया और अपना पूरा ध्यान निरमा पाउडर पर ही लगा दिया। इसके बाद उन्होंने धीरे धीरे निरमा के लिए एक टीम भी बनाई और जो आसपास की दुकानों में जाकर इस पाउडर को बेचा करते थे। वहीं उन्हें ये समस्या भी आने लगी कि वो कैसे, कई लोग थे जिन्हें करसन भाई उधारी पर माल दिया करते थे, वहीं जब पैसे लौटाने की बारी आती थी तो दुकानदार एक लंबा चौड़ा बहाना उनसे बना दिया करते थे और ऐसे में उन्हें कई बार घाटा हो जाता था। फिर उन्होंने एक मीटिंग बुलाकर इस बात की घोषणा कर दी कि बाज़ार में जितने भी निरमा के पैकेट हैं उन सभी को वापस ले आओ। इसके बाद सभी को लगा कि करसन भाई अब
हार मान चुके हैं और ये जल्द ही बंद हो जाएगा। लेकिन उनके दिमाग में कुछ और ही आइडिया था। वो अब विज्ञापनों में निवेश करने का फैसला ले चुके थे और उसके बाद उन्होंने विज्ञापन का एक बहुत ही शानदार जिंगल के साथ टीवी पर शुरुआत कर दी और देश भर में रातों रात निर्मा ऐसी फेमस हो गई, हर किसी का ध्यान इस पाउडर पर आकर्षित हो गया। वॉशिंग पाउडर निर्मा ये गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया और आज भी इस गाने को लोग गुनगुनाते हैं। निर्मा गुजरात के अहमदाबाद में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने जाने लगा सर्फ था और वहीं पुरानी गलतियों से सीख चुके थे करसन भाई। उन्होंने उधारी में माल देना ही बंद कर दिया और दुकानदारों को एक करारा जवाब दे दिया और साथ ही साथ वे उनसे निर्मा मांगने भी लगे थे और धीरे धीरे उनका ये सीक्रेट फार्मूला हिट भी हो गया और सभी के सामने सच्चाई सामने भी आ गई। लेकिन आज भी लोग वॉशिंग पाउडर निर्मा के गाने को याद करते हैं। वाकई में मानना पड़ेगा कि करसन भाई ने अपनी बेटी को अमर करके छोड़ा और आज भी सफ़ेद फ्रॉक में नज़र आने वाली वॉशिंग पाउडर निर्मा के पैकेट पर छोटी सी लड़की को सभी जानते हैं और निर्मा हर किसी के लिए अमर ही रहेगी। तो दर्शकों, देखा आपने कि कैसे एक छोटी सी बच्ची की कहानी और वहीं जाते जाते भी वो अमर हो गई। आपकी क्या राय है निर्मा को लेकर, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आपको कैसा लगा जानकर कि निर्मा की कहानी और करसन भाई की कहानी, एक पाउडर के पीछे छिपी हुई इतनी दर्द भरी कहानी जानकर, ये आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ से। प्रांशी की रिपोर्ट।